पिछले 2 घंटे से बैठे हुए तुम फ्रिज ठीक कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है उनका नेचर कैसा है? हर 10 मिनट में उनको चाय चाहिए, कौन बना के देगा? ओ मैडम ऐसे है, मैं तो चाय बनाने से रहा, ठीक है, एक दिन उनको बात नहीं आती, बात मंगवा लो आज चाय। अरे तुम्हें पता है हम कैसे झेल रहे हैं? दूध हमारा खराब हो जाता है, ठंडा नहीं होता, फिर कहाँ जाएं हम? अरे मैडम ऐसा मुझे मेरा काम करने दो, पहले ही बहुत परेशान हूँ, गर्मी में दिमाग फटा जा रहा है, ऊपर से आप सर पे आके खड़े हो गए। अच्छा तू अच्छा ये फ्रिज भी तोड़ दिया तुमने? अरे मैंने कहा तोड़ा है? अरे ओ क्या हंगामा मचा रखा है, हे भगवान, फ्रिज का किस लिए बुलाया तूने इनको? अरे तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारे लिए तो बुलाया मैंने, फ्रिज में दूध ठंडा नहीं हो रहा था इसलिए मैंने मैकेनिक को बुलाया। ठीक करवा दिया, ये भी तोड़वा दिया तूने, नुकसान के अलावा तू कुछ नहीं कर सकती, जब से आई है मेरे घर में नुकसान पे नुकसान करती जा रही है। अरे तुम्हारी भलाई के लिए तो मैंने, क्या भलाई के लिए? क्या भलाई है? तुम्हें 10 मिनट में चाय चाहिए नहीं चाहिए? चाय कौन बना के देता? मैं चाय मुझे नहीं चाहिए, ये नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा क्या? बाप तक मत जाओ, मैं पहले बता रही हूँ तुम्हें कौन है, क्यों है तेरा बाप, क्या सीएम पीएम है क्या तेरा बाप है? अरे चाहे मेरे बाप कुछ हो, लेकिन मेरे बाप ने ये दहेज में तुम्हें फ्रिज दिया था, उसी की बदौलत तुम आज चाय पीते हो। अच्छा तेरे बाप ने फ्रिज दे दिया, और ये भैंस जिसको मैंने सारी उम्र हो गए खिलाते पिलाते, ये फ्रिज से कई गुना तो तू खा चुकी है। तो वो पैसा भी मेरे बाप ने दिया था जब मैं खा पी के मोटी हुई हूँ। अच्छा खाने का पैसा भी दिया था, 1 रुपए का रास्ता लिया था, आराम करो, झूठ मत बोल सुबह सुबह। देखो तुम मैंने कुछ हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, पहले बता रही मैं तुम्हें। फालतू मत बोल, ओए यही सीख क्या है क्या? अरे भाई साहब तेरे को पता है कौन हूँ मैं? अरे मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ, और तेरे जैसे पिलोरों को है ना पढ़ा लिखा के पता नहीं कितनों को मैकेनिक बनाया है, और तूने तो ठीक करने के बजाय नुकसान कर दिया हमारा। वैसा है आपके फ्रिज का दरवाजा पहले ही टूटा हुआ था, मेरा क्यों इल्जाम लगा रहे हो? और मेरे को मेरी दाढ़ी दे दो, बस मैं जा रहा हूँ। कौन सा है, क्या दाढ़ी देते? तूने किया क्या? तू दे पैसे हमारे को, तूने हमारी खिड़की तोड़ दी। अरे मैंने खिड़की कहाँ तोड़ दी? ये तोड़ दी, ये दिख नहीं रही क्या? ये टूटी पड़ी थी, मैंने तो इसको छेड़ा भी नहीं। देखो बकवास मत कर, बकवास मत कर, टूटी नहीं थी, आई समझ में? वो मैडम मेरे ऊपर ब्लेम लगा, ठीक है तुम्हारे कंप्रेसर के अंदर तो गैस भी नहीं है, तुम्हारा दरवाजा टूटा पड़ा है। तू मत बोल, हमारा फ्रिज बिल्कुल ठीक है, और इसका है ना दिमाग खराब हो रहा है, कल मैंने इसमें से ठंडा पानी पिया था, अभी चला के दिखाऊं इसको, ठंडा करके दिखाता हूँ मैं, बकवास कर रही। चला के दिखाओ मैडम, अभी लो। मुझे नहीं पता, मेरी दाढ़ी दे दो और मेरे को जाने दो बस। ऐसे कैसे, क्यों, क्या? अरे क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? अरे 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 भाई साहब मुझे नहीं पता, मैं आपका ये फ्रिज ठीक नहीं कर सकता, आपने तो मेरी जान लेने का ठेका उठा लिया। भाई साहब प्लीज मुझे मेरी दाढ़ी दे दो और मेरे को जाने दो, मैं अपने 2 बच्चों का एक बाप और मेरे अलावा मेरी घरवाली का कोई घरवाला भी नहीं है। ओहो बहुत बढ़िया बात है, मेरी घरवाली का तो 4-5 पति है और मेरे बच्चों के 2-3 बाप है, आई समझ में? अरे सबके एक एक ही तो होते हैं, इसमें अलग क्या है? ओए किस बात की दाढ़ी, तुमने किया क्या है? फ्रिज ठीक करने के बजाय तुमने इसका नुकसान कर दिया, मेरे बाप ने तुझे पता है 1 इकलौता फ्रिज दिया था और इसी से हमारा काम चल रहा था, किस बात की दाढ़ी? अरे ओ मैडम किस बात की दाढ़ी, 2 घंटे से यहाँ काम कर रहा हूँ, उस बात की दाढ़ी? अगर इतनी देर में अपनी दुकान में काम करता रहा तो 10 ग्राहक अटेंड कर चुका होता, ठीक है, पानी का गिलास पिलाया नहीं, इतना पसीना निकलवा दिया, बोल रहे दाढ़ी किस बात की? ओहो कनाट प्लेस में दुकान खोल रखी है, और दाढ़ी किस बात की? तूने ठीक करने के बजाय हमारा नुकसान कर दिया, अब पैसे तू निकाल। अरे मैं कहाँ से दूंगा यार, ये तुम्हारा इतना लड्डा, इतना पुराना फ्रिज, खबरदार अगर इस मेरे इस फ्रिज को लड्डा बना, तुम्हें पता है मेरे बाप ने कितने प्यार से फ्रिज दिया था, मैं सबसे ज्यादा घर में अपने फ्रिज से प्यार करती हूँ। लो 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 भाई साहब, अब आई ना असलियत निकल के सामने, आपसे इतना प्यार नहीं करती जितना इस कबाड़ से करती है, और आप कहते हो मैं हेडमास्टर हूँ, हेडमास्टर, अरे घर में इतनी इज्जत है तो तुम्हारी बाहर कितनी इज्जत होगी, मैं जान गया। खूब जलूस निकाल तू मेरा, अकेले में तो घर में तू इज्जत करती नहीं, अब बाहर वालों के सामने भी मुझे जलील करने पर तुली हुई है, तेरा दिमाग खराब है, पागल होगी तू? और तुम इतनी देर से मेरा जुलूस निकाल रहे हो इसके सामने, ये कौन है? बाहर का ही तो आदमी है, एक मिस्त्री तो है, इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, कह देती हूँ आपको पहले ही। अरे भाई साहब आपके ऊपर तो मेरे को तरस आ रहा है, अरे आपकी तो कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं है इस घर में, अरे मेरे को देखो, मेरे घर में बड़े शान से रहता हूँ मैं, मेरे मुंह से चीज निकलने से पहले ही मेरी घरवाली मेरे सामने हाजिर कर देती है, जन्नत में रहता हूँ जन्नत में, और कहा तुम यार नर्क में पड़े हो, और मैं तो हेडमास्टर हूँ हेडमास्टर। ओहो आया बड़ा सरग वाला, हमारा झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा है क्या तू? हमारा प्रेम तो लैला मजनू से भी गहरा है, आई समझ में? अनपढ़ गवार और हम ठहरे पढ़े लिखे, आई समझ में? इन बातों को छोड़, ये बता इस फ्रिज को ठीक करवाने कितने लेगा? 5,000 रुपए दे दो, ठीक कर दूंगा। 5,000? एक काम कर पुष्पा,
5,000 और मिला के नया फ्रिज आ जाएगा। इसको है ना कबाड़ में बेच देंगे, 1,000-2,000 का तो वैसे ही बिक जाएगा। देखो जी, मैं इस फ्रिज को ना किसी को नहीं देने वाली, और क्यों बार बार इसको कबाड़ बोल रहे हो? मैं 5,000 इसको मैं अपने आप दे दूंगी। क्यों क्यों नहीं चेंज करेगी तू? अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मैं तुम्हें भी चेंज कर दूंगी, मैं पहले बता रही हूँ तुम्हें। मेरे को चेंज करेगी तू? तो तुम फ्रिज को क्यों चेंज करने के बोल रहे हो? इसका मतलब तू कहीं, तेरा जो फोन बिजी आता है तेरा चक्कर है कहीं ना कहीं। एक मिनट में तूने बोल दिया, हमारी शादी को 30 साल हो गए और तू बोल रही है मैं तुम्हारे को चेंज कर दूंगी। जबान संभाल के बात करो, तुम्हें पता तुम क्या बोल रहे हो? मेरा चक्कर किसी और के साथ? मैं 30 साल से तुम्हें झेल रही हूँ। तुमने खुद बोला है भाई साहब। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कितनी देर होगी तुम्हारी? टट टट टट, मेरे को बताओ, काम कर रहा हूँ। करने की जरूरत नहीं है, मैडम मारूंगा थप्पड़। हाँ, अरे बोल कैसे दिया तूने? बोला है कि मैं फ्रिज को चेंज करूंगी तो तेरे को भी चेंज करूंगी। अरे कहाँ जाएगी तू अब बुढ़ापे में? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। रात को 12-12 बजे तक तू मैसेज पे बात करती है, तेरा चक्कर है। मैं तुम्हारी छाती पे तलाक दूंगा, मैं घसीटूंगा तेरे को। मैं तुम्हारी छाती पे मुंह दलूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मेरे को रखना नहीं तेरे को। तू चेंज करेगी ना, मैं तेरे से पहले चेंज करूंगा। आई समझ में? मेरी सेटिंग तो दो जगह है, आई समझ में? जा तू, इस मरीज को भी ले जा अभी। मैं अभी बोलती हूँ तलाक तलाक तलाक। मैं भी तुम्हारे साथ मेरे घर से गेट आउट, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। क्या रहेगी? तेरा चक्कर किसी और के साथ, मैं क्यों रखूं तेरे को घर पे? अरे तुम अपना झगड़ा खत्म। अरे वो कहां गया? देखा, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरा फ्रिज भी ठीक नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान होने लग रहा है। छोड़ो, करेगी ना, मैं तेरे से पहले चेंज करूंगा। मेरी सेटिंग तो दो जगह है, आई समझ में? जा तू, तो मैं अभी बोलती हूँ तलाक तलाक तलाक। मैं भी तुम्हारे साथ।